हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ करेले की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे करेले की सब्ज़ी बनाओगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो उसके लिए मैंने आधा किलो करेली अच्छे से लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। मसाले में मैंने 10-12 कलियाँ लहसुन की ली है, 1/2 इंच अदरक काट के ले लिया है, मिर्च ली है, इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, एंड 1 टेबल स्पून मैंने सरसों के दाने लिए हैं। सूखे मसाले में मैंने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, हल्दी और नमक। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे 3-4 टेबल स्पून। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा ताकि हमारी करेले अच्छे से फ्राई हो सके, तो इसके लिए थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे और थोड़ा सा जीरा। अब हम इसमें करेले को डालेंगे। इसको अच्छे से चलाएंगे। जब तक हमारा करेला फ्राई हो रहा है तब तक हम इन मसालों को ग्राइंड करेंगे। हम करेले को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमारा करेला फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए मसाले डालेंगे। इसे अच्छे से चलाएंगे और 3-4 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, जीरा और धनिया। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। हमारा मसाला फ्राई हो चुका है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के लगभग पानी। इसे अच्छे से मिला देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। इसमें 3-4 बॉयल आने देंगे, उसके बाद हमारी सब्जी बॉयल हो चुकी है। अब मैं इसमें फाइनली एक और इंग्रेडिएंट ऐड करने जा रही हूँ, भुने हुए मेथी का पाउडर 1 पिंच। इससे हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। हमारी सब्जी तैयार है, इसे गर्मा गर्म सर्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी।